एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो हम आपको लिंक प्रोवाइड किए हैं, सबसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिएगा, पाटलिपुत्र का वेबसाइट खुल जाएगा। देन आपको अपना सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। आप यूजी रेगुलर में आते तो यूजी रेगुलर सेलेक्ट कीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप फिल कर दीजिएगा इसमें। देन फादर्स नेम, देन कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म आएगा उसको फिल कीजिएगा, आधार नंबर डालिएगा या फिर जो भी आपका उसमें डिटेल्स मांग रहा है वो सब कुछ फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो मीडियम है उसको इंग्लिश कर लेना है। अगर आप हिंदी मीडियम से लिखना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना, और अगर इंग्लिश मीडियम से लिखना चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिल करना है अपना सब्जेक्ट्स, तो अपना यहाँ पे अकाउंट्स ग्रुप, देन सब्सिडरी वन में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब्सिडरी टू में प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स, कंपोजिशन हिंदी और इंग्लिश का। ये अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। अगर आपका फ़ोटो और साइन साइज का नहीं है, इमेज को कैसे रिसाइज करना है वो देख लीजिए। गूगल पे क्रोम पे जाना है, यहाँ पे लिखना है इमेज रिसाइजर। वैसे हम इसका लिंक दे देंगे आपको, वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है जो भी फोटो है फ्रॉम डिवाइस, इसे मेरे को ये फोटो रिसाइज करना है। ये रिसाइज हो गया, यहाँ पे क्लिक करके, और ये जितना केबी का करना है केबी में, देन आपको यहाँ पे जितना एमबी टारगेट करना है यहाँ पे डाल देना। आपको 30 केबी, 30 केबी, और यहाँ पे आपको रिसाइज पे क्लिक कर देना है। ये आपका इमेज रिसाइज हो गया, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। देन आपको अपना फ़ोटो चूज़ करना है, जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा वो, और सिग्नेचर, देन कैप्चा फिल करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर में एक सब कैटेगरी वाला छूट गया था, तो उसमें कुछ नहीं भरना। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स फिल कर देना, और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल बस फिल कर देना, सिंपल। देन आपको कैप्चा फिल कर देना। आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपका रोल नंबर यहाँ पे शो नहीं करेगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ये जब पैसा पे कर दीजिएगा, जो आपको पीडीएफ आएगा उसमें आपका रोल नंबर शो करेगा। यहाँ पे 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 क्लिक करना है, और जैसे भी आप करना चाह रहे हो पेमेंट वैसे कर दीजिएगा, जैसे हम यूपीआई से करेंगे। पैसा पे करने के बाद एक ऐसा ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आएगा, इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म देखिए। देन आपका यहाँ पे क्लास रोल नंबर दिखलाने लगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखलाने लगा, और ये जो रोल नंबर है ये खाली छोड़ा गया है। ये जब आप बीकॉम का एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपका, उस समय ये रोल नंबर यहाँ पे फिल होगा। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको प्रिंट कर लीजिए। फॉर्म
फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अपना फॉर्म पे यहाँ पे अपना नाम लिखना है इस जगह पे हिंदी में, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है फुल सिग्नेचर। देन यहाँ पे HOD या फिर डीन या फिर प्रिंसिपल किन्हीं का सिग्नेचर स्टाम्प के साथ लगवा कर, और जो चेक करेंगे जो हम लोग का फॉर्म सबमिट करेंगे उनका यहाँ पर साइन और डेट लगेगा। इसको ले करके अपने कॉलेज में जमा कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है परीक्षा प्रपत्र भरने के पश्चात परीक्षा प्रपत्र की हार्ड कॉपी अपने महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। दूसरा है कॉलेज द्वारा हार्ड कॉपी चेक का वैलिड करने के बाद ही छात्रों को एडमिट कार्ड निर्गत होगा। मतलब कि जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं कीजिएगा अपने कॉलेज में आकर के, तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। बस इतना ही फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप वीडियो देखने के लिए।